नमस्कार दोस्तों, एजे ट्रेडर्स की स्टॉक एनालिसिस की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको 20 जुलाई को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको चार स्टॉक दिए थे, जिनमें से था पहला वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई थी 242 पे, उसको बाई करने को बोला था और उसने हाई मारा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसका हाई है करीबन 259.95 यानी 260 के करीब उसने हाई मारा है, और यहाँ पे जो बाई किया होगा वो करीबन करीबन आपको 20 पॉइंट के करीब आपको मिला होगा। और अभी भी ये स्टॉक ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर ये लास्ट फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज नहीं करता है, यानी 255 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तो उसको आप अभी डिलीवरी में रख सकते हो फ्रेंड्स, वेदांता को। ओके, दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री बैंक। इंडस्ट्री बैंक के बारे में मैंने आपको बोला था अगर 872 के ऊपर निकलेगा तो उसका तीन टारगेट मैंने आपको दिया था, जिसमें पहला टारगेट था फ्रेंड्स, जिसका पहला टारगेट था 889 और दूसरा टारगेट मैंने बोला था 900। आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसने करीबन करीबन हमारे तीन दोनों टारगेट अचीव किया और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 962 यानी 872 से लेके 962 यानी 110 पॉइंट की मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स उसने तीन दिन के अंदर। तो ये हमारा स्टॉक बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल हुआ है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बैंक। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने आपको बोला था एक्सिस बैंक अगर 702 के ऊपर निकलेगा, 702 के ऊपर निकलेगा तो मैंने आपको अल्टीमेट टारगेट दिया था 732 ये वाला, और आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसने 20 जुलाई को टारगेट दिया है, उसने 735 उसने हाई मारा है। तो ये भी स्टॉक हमारा सक्सेसफुल हो गया है फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक, जिसको मैंने आपको बोला था 20 जुलाई को लेने के लिए बोला था और 22 जुलाई को आप यहाँ पे चेक करोगे तो 735 उसने हाई मारा। ये तीनों स्टॉक मैंने आपको बोला था 20 जुलाई को लेने के लिए बोला था। और चौथा स्टॉक भी मैंने आपको दिया था RBL बैंक, 92 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट मैंने दिया था, पहला टारगेट दिया था 98। आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसने अभी तक अपना टारगेट अचीव नहीं किया, उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 96.30 पे उसने हाई मारा है, तो करीबन करीबन 4 पॉइंट ही आपको मिला होगा। तो RBL बैंक अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है यानी 89 के नीचे क्लोज होता है तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हो RBL बैंक में से। ओके, तो आइए देखते हैं अब सोमवार को कौन सा स्टॉक पे हमारी वॉच रहेगी, नज़र रहेगी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे निकाला है फ्रेंड्स डाबर। डाबर के बारे में मैंने ये स्टॉक निकाला है आपको, इससे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ लेवल पूरा। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। फ्रेंड्स मेरा पहला स्टॉक निकाला है डाबर इंडिया लिमिटेड, आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स तो ये एक हैमर कैंडल बनाई है डाबर इंडिया लिमिटेड ने। तो अगर सोमवार को फ्रेंड्स ये स्टॉक 587 ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 581 और दूसरा टारगेट आने की पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है 587। ये डाबर इंडिया लिमिटेड का सोमवार को आपको वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनी है हैमर कैंडल, तो ये नीचे से बाय आई है तो पॉसिबिलिटी है अगर 581 उसका पहला टारगेट आएगा, 587 उसका दूसरा टारगेट आ सकता है अगर 578 निकलेगा तो। लेकिन ओपन अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ब्रेक करेगा तो आपको चांस मिलेगा 10 पॉइंट लेने का। ओके, और दूसरा स्टॉक मैंने निकाला है फ्रेंड्स SBI बैंक। फ्रेंड्स SBI बैंक में आप चेक करोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक उसको रजिस्ट्रेशन पे मिला है फ्रेंड्स उसको देख लीजिए, इसका मैं साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक करोगे ये वन डे का चार्ट है फ्रेंड्स, वन डे के चार्ट में अगर आप चेक करोगे तो SBI बैंक ने ग्रेवी स्टोन डोजे के अंदर बनाई है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को। अगर सोमवार को ये 511 डाउन के साइड में ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये वाला लेवल ब्रेक करता है SBI बैंक
तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 506, दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 500। और अगर फ्रेंड्स 500 भी ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, तो उसका अल्टीमेट टारगेट आने वाला है 790, 780, 87 की तरफ, यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है SBI में। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये स्टॉक लास्ट फ्राइडे को उसका 400 का पुट भी लेके गया हूँ इसी कैंडल के बेस पे, क्योंकि ये कैंडल जो है सोमवार को गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी रखती है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है SBI के पुट के अंदर, मैंने जो लेके गया हूँ वो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।